नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज यानी 13 नवंबर को वेस्ट इंडीज में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप की जीतने की सपना टूट चुका है। यह जीत इंग्लैंड की T20 इतिहास की दूसरी जीत है। दूसरी जीत के साथ ही इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज की बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के सामने 138 रनों का लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए 1900 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर ली है। इंग्लैंड के जीत के सबसे बड़े हीरो बेन स्टोक्स रहे। बेन स्टोक्स ने 52 रन बनाए और नॉट आउट रहे। साथ ही जोस बटलर शानदार 26 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की टीम टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना पाए, जिसमें शान मसूद ने सर्वाधिक 38 रन की पारी खेली। साथ ही बाबर आजम 32 रन की पारी खेले। इंग्लैंड के प्लेयर सैम करन 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट के लिए, साथ ही पाकिस्तान की हालत नाजुक किया। इंग्लैंड की 12 साल बाद दूसरी जीत है। इससे पहले वह 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। साथ ही T20 वर्ल्ड कप में जीत की बात की जाए तो 2007 में इंडिया, 2009 में पाकिस्तान, 10 में इंग्लैंड, 12 में वेस्ट इंडीज, 14 में श्रीलंका, 2016 में वेस्ट इंडीज, 2021 में ऑस्ट्रेलिया, 2022 में इंग्लैंड की जीत हुई है।